फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि हमारे रोज के व्यस्त और भागा दौड़ी वाले जीवन से कुछ अलग, शांत, सिंपल, प्रकृति के बहुत करीब, नदी के मधुर कल कल आवाज और हमें हमारी पुरानी संस्कृति से जोड़ने वाली है। हाँ, सही पहचाना आपने, अंजनवेल कृषि पर्यटन, जो कि पुणे के पास शिडिंब नाम के गांव में बना है। हम लोग शनिवार को सुबह 10 बजे के आसपास घर से निकले। चांदनी चौक पोर रास्ते से होते हुए हम करीब 12 बजे अंजनवेल पहुंच गए थे। ये पुणे से 55 किलोमीटर और मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है। ये पूरी तरह से गांव की हमारी पुरानी संस्कृति पे बना हुआ है। यहाँ पे खेत में रहने वाला कुआ और बैलगाड़ी और नदी भी है। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी, तीखा और चूल्हे पे बने हुए खाने का जो मज़ा आता है, जो स्वाद आता है, वो आपको खाना खाते ही समझ में आता है। यहाँ पे ये खूबसूरत सा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे इन्होंने पारंपरिक काम और काम में यूज़ करने वाली वस्तुओं का उपयोग करने से कैसे महिलाएं खुद को स्वस्थ रखती थी, उसका महत्व बताया है। यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाई देता है। यहाँ पे इन्होंने पुराने जमाने में जो किचन हुआ करता था वैसे ही जमाया है। खाना खाने के बाद हमें नदी के कल कल की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। हम नदी को ढूंढते हुए नदी के रास्ते निकल पड़े। अगर आपका नीचे पानी में जाने का मन नहीं है तो आप यहाँ पर बैठकर भी नदी का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब चावल की खेती है। इसके बाद हम बाकी का परिसर घूमने के लिए निकल पड़े। यहाँ पे ये इनकी नर्सरी है। यहाँ विविध प्रकार के औषधीय गुणधर्म वाले पौधे रखे हुए हैं। यहाँ पे ये बड़ा सा कुआं है। परिसर बहुत ही सुंदर और बड़ा है। आप वन डे ट्रिप के लिए भी आ सकते हो और स्टे भी कर सकते हो।
यहाँ क्रिकेट बैडमिंटन खेलने के लिए भी बहुत बड़ा ग्राउंड है। जो लोग ग्रुप में आना चाहते हैं वो भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद शाम को हमने चाय के साथ में गर्मा गर्म कांदा भजिए का आस्वाद लिया। इसके बाद हम बाहर घूमने के लिए निकले। यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। ये जगह अंजनवेल एग्री टूरिज्म के एकदम बाहर अपोजिट साइड है। अंजनवेल एग्री टूरिज्म शाम को बहुत ही सुंदर दिखता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे ये सारे रूम्स बनाए गए हैं और ग्रुप्स के लिए डॉर्मेट्री की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ के रूम कुछ ऐसे हैं। फिर शाम को करीब 8:30 बजे हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। खाना खाने के बाद क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा था तो यहाँ पे इन लोगों ने बॉनफायर भी अरेंज किया था। सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो वहाँ पे मुझे ये प्यारे से दोस्त मिले। वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे। सुबह 10 बजे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद खूबसूरत सी मेमोरीज़ को साथ में लेके अंजनवेल कृषि पर्यटन को अलविदा कहा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे ऐसे ही इंजॉय करते रहिए और घूमते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।